हेलो दोस्त, क्या आप लोग आ गए हो? वेरी गुड, आ गए हो तो उस आखिरी तक इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई वांट यू टू लिसन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, दैट्स कॉल्ड इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम। समय की कीमती के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सामने मैं 3 पॉइंट लेके आऊंगा। आई वॉन्ट यू टू लिसन इट, ओके, वेरी केयरफुली, और इसकी लाभ आप लोग उठाइए। ओके, क्यों मैं बात कर रहा हूँ समय के बारे में? क्योंकि आजकल हमें बहुत समय मिल रहा है, लॉकडाउन है, घर में हम बैठे हुए हैं। अगर इस समय को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे तो अपने लाइफ में हम तरक्की कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो 3 पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेट मी थ्रो फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट ये है, टाइम इज मनी। समय क्या है? पैसा है। ओके, जब हम नौकरी करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या देते हैं? अपने टाइम देते हैं। कितने घंटे? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे ओवर टाइम देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि उन लोग हमें क्या देने के लिए? तनख्वाह देने के लिए, पैसे देने के लिए। वी गिव देम टाइम एंड बिहाफ ऑफ टाइम उन लोग हमें क्या देते हैं? दे गिव अस मनी। ओके, तो आजकल हम घरों के अंदर है। अगर इन चीजों को आप पहचान लिया है तो आप क्या है, इस समय को आप यूटिलाइज करोगे अच्छी तरीके से, आपकी लाइफ की क्या होने के लिए? तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो ईच टाइम अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो इनडायरेक्टली यू आर स्पेंडिंग योर मनी। ओके, आप बर्बाद कर रहे हो आपकी पैसे को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि वो एक पैसे के समान है। जो जो भी समय हमें मिल रहा है, उस समय को सही तरीके से हमें उपयोग करना बहुत जरूरी है, तब हम कह पाएंगे टाइम की इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी पॉइंट आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू, ओके, टाइम विल नेवर कम। समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हमारी बड़े बुजुर्ग और लोग कहते हैं, बच्चे सुधर जा, पढ़ ले अभी। ओके, मैंने पढ़ नहीं पाया, आपको मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप आगे बढ़ने पाए। हम उल्टा उन्हें जवाब देते हैं, ताऊ आपने तो आनंद उठा लिया, मजे ले लिया, और आज हमें कह रहे हो क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। क्यों उन लोग हमें बोल रहे हैं? Why? Reason is that they have already experience. उन लोग experience कर चुके हैं समय को, अपने समय को उन लोग क्या है, बर्बाद कर चुके हैं, और उन लोग चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। टाइम has gone. तो क्या है दूसरा पॉइंट है, टाइम नेवर कम अगेन, दोबारा नहीं आएगा। जो टाइम है आपको मिला गया है, उसे क्या करना है? इस्तेमाल करना है। इट विल नॉट कम अगेन। ये लॉकडाउन हो सकता है बार बार नहीं आएगा, ये मिला है आपको और मुझे, ताकि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूटिलाइज दिस वन, अर्न समथिंग, डू समथिंग ग्रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट यू टू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद ना करें, उसे इस्तेमाल करें, आप स्किलिंग करने के लिए, सीखने के लिए उसे इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में उसकी क्या फायदा उठा पाओ, लाभ उठा पाओ। Let me bring before you the third point. Third point is that, okay, today is your time. Okay, वो इंतजार मत करो, अपना टाइम आएगा। वो मूवी में होता है, ये टाइम आपकी आ चुका है साइन करने के लिए, टाइम आपकी आ चुका है अपस्किलिंग करने के लिए, ये टाइम आपको मिला है ताकि उसे यूटिलाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड, टूडे इज योर टाइम to learn something new. Today is your time to grow. Today is your time to work out. Today is your time to become smarter. Today is your time to sign. Okay, अगर आप कहोगे कि कल करूंगा, अगले महीने करूंगा, उसका मतलब आप रियलाइज नहीं किया है। वी डू नॉट नो वट इज गोइंग टू हैपन टूमोरो, वी डू नॉट नो वट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक, वी डू नॉट नो एनीथिंग वट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ। आज मिला है हम लोगों को, आज का दिन हमारी है, आज का समय हमारी है, लेट्स यूटिलाइज दिस वन इन ए नाइस मैनर। अगर आप यूटिलाइज करते हो तब समय की वैल्यू को आपको और मुझे पता होता है। सो डियर सब्सक्राइबर, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इन 3 चीजों को यूटिलाइज करो। सबसे पहली बात, आपको और मुझे जाना, टाइम इज मनी। दूसरी बात, टाइम नेवर कम्स। तीसरी बात, टूडे इज योर टाइम। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड्स।